तो दोस्तों आज 16 जून 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें, आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर सीधे सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में चीनी बीमारी का टेस्ट अब हर आदमी का होगा। तो इस खबर की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, आज से पीएम मोदी लगातार 2 दिनों तक की बैठक करने वाले हैं राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ। आपको बता दें, इस बैठक में लॉकडाउन पर, अनलॉक 1 पर बड़े फैसले और नए नियम आ सकते हैं। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है, जिसके तहत 19 जून से 30 जून तक दोबारा 12 दिन तक के लिए लॉकडाउन लग सकता है, यानी कि सख्त वाला लॉकडाउन। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, दिल्ली का जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है वो आज से बंद हो गया है। तो इस खबर की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि लोग आखिर अब कैसे आ जा सकेंगे दिल्ली में। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में नकली सैनिटाइजर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों आपको बता दें, कुछ ग्रोह ऐसे हैं जो कि खतरनाक केमिकल से सैनिटाइजर बना रहे हैं, जिससे जान जाने तक का खतरा हो सकता है। तो ये जो सैनिटाइजर की खबर है, इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा मशहूर अभिनेता, जैसा कि आप जानते हैं, सुशांत सिंह ने अभी हाल ही में आत्महत्या कर ली। लेकिन आपको बता दें, उनको लेकर और भी बहुत सारी खबरें आई हैं। कंगना रनौत ने वीडियो जारी करके कहा है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। इसके अलावा इसी से जुड़ा अक्षय कुमार का भी एक वीडियो आया है। तो दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह पर जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, तो हम आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको बताएंगे चीनी बीमारी का ताज़ा अपडेट पूरे दुनिया भर का और अपने हिंदुस्तान का। इसके अलावा आपको बताएंगे मौसम का ताज़ा हाल भी, कि आज 16 जून को मौसम कैसा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो, क्योंकि आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरी दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 80,54,786। आपको बता दें, जो अभी 80 लाख मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 4,36,806 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो 80 लाख मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 41,55,899 लोग ठीक भी हो चुके हैं पूरी दुनिया भर में। इसके अलावा अब जो एक्टिव केसेस हैं पूरी दुनिया भर में, जिन लोगों का इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हो गई है 34,62,081। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट था पूरे दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नज़र डालते हैं अपने हिंदुस्तान के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है, कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें, इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हो गई है 3,42,365। दोस्तों जो 3,42,000 मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 9,896 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 377 से ज्यादा लोगों की जान गई है, यानी लगभग 450 लोगों की। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की संख्या 1,79,883 हो गई है। आपको बता दें, अब हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जिन लोगों का इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हो गई है 1,52,543। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में चीनी बीमारी से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री ने कहा, हर आदमी की अब होगी जाँच। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते चीनी बीमारी संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर है। पिछले 2 दिनों से गृह मंत्री अमित शाह लगातार फैसले ले रहे हैं और खुद ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में बीते रोज गृह मंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक की। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि चीनी बीमारी को काबू में लाने के लिए अब सभी लोगों की जांच की जाएगी दिल्ली में। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले दिनों में पूरे देश में ही सभी लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत में धीरे धीरे करके सभी जगह पर चीनी बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टेस्ट का खर्च होगा 50%। शाह ने दिल्ली सरकार से कहा, चीनी बीमारी वार्ड में CCTV लगे, डॉक्टरों नर्सों की काउंसलिंग हो। जी हाँ, ये भी खबर पिछले खबर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, चीनी बीमारी को लेकर जो सर्वदलीय बैठक हुई, तो उसमें शाह ने ये भी कहा कि जो चीनी बीमारी का टेस्ट का खर्च है, उसको 50% तक कम किया जाए। दोस्तों आपको बता दें, इस बात की मंजूरी भी मिल गई है कि अब जो चीनी बीमारी के टेस्ट का खर्च है, वो 50% आएगा प्राइवेट अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों में टेस्ट तो वैसे ही फ्री है। दोस्तों इसके अलावा शाह ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि चीनी बीमारी वार्ड में CCTV कैमरे लगाए जाएं, ताकि मरीजों की परेशानियों का पता चल सके। इसके अलावा खाना पहुंचाने के लिए कैंटीन का बैकअप बना के रखा जाए, कि अगर एक कैंटीन से
कोई दिक्कत हो गई, चीनी बीमारी का संक्रमण निकल गया तो दूसरे कैंटीन से चीनी बीमारी के मरीजों के लिए खाना आ सके। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि जो तेलंगाना सरकार है उसकी तरफ से भी एक खबर आई है कि प्राइवेट लैब में जो चीनी बीमारी का टेस्ट है उसके दाम आधे कर दिए गए हैं। आधे दाम होने के बाद अब चीनी बीमारी का टेस्ट करवाने के लिए लोगों को तेलंगाना में 2200 रुपए देना होगा। आने वाले दिनों में देश के और भी राज्यों में इस तरह की सुविधा होगी कि चीनी बीमारी का टेस्ट बहुत कम पैसे में होगा प्राइवेट अस्पतालों में भी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो न्यूयॉर्क जैसा हो सकता है दिल्ली मुंबई का हाल, विशेषज्ञों का है ये बयान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि हमारे भारत में कई दिनों से रोजाना 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए चीनी बीमारी के मामले आ रहे हैं। आपको बता दें इसी पर विशेषज्ञों ने एक बयान दिया है कि अगर चीनी बीमारी को काबू में नहीं लाया गया तो हमारे भारत का जो हाल है वो न्यूयॉर्क जैसा हो जाएगा। आपको बता दें पूरी दुनिया भर में अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही चीनी बीमारी से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। लेकिन आपको बता दें हमारे भारत के लोगों को ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। भले ही हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 3 लाख के पार चली गई हो, लेकिन साथ ही में ये भी रिपोर्ट आई है कि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा भारत चीनी बीमारी के संक्रमण के मामले में 143वें स्थान पर आता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी पर मोदी की 2 दिन मैराथन बैठक, लॉकडाउन बढ़ेगा या मिलेगी छूट, इस पर आ सकते हैं बहुत सारे फैसले। जी हां, देश में गहराते चीनी बीमारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि मंगलवार को कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और चीनी बीमारी पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर इसको कैसे रोका जाए, लॉकडाउन पर भी फैसला लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसके अलावा कल बुधवार को 15 राज्यों से बात करेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिन तक लगातार बातचीत की जाएगी क्योंकि चीनी बीमारी का संक्रमण बढ़ रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चेन्नई में 12 दिन के लिए फिर होगी तालाबंदी, केवल आवश्यक सेवाओं की होगी अनुमति। जी हां, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में 19 से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन में दी गई ढील में कटौती करने का फैसला लिया है। यानी चेन्नई में और इसके आसपास के इलाकों में 19 जून से लेकर 30 जून तक दोबारा लगभग पहले जैसा लॉकडाउन लग जाएगा और ये लगभग 12 दिन का समय होगा। फिलहाल वैसे कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से नहीं चलेंगी इस रेलवे स्टेशन से ट्रेनें। जी हां, राजधानी दिल्ली में चीनी बीमारी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली में मौजूद हॉस्पिटल बेड की कमी हो गई है क्योंकि लगातार चीनी बीमारी के मरीज आ रहे हैं। इसी को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन है उसको अब बंद कर दिया गया है। यानी वहां पर न तो कोई ट्रेन आएगी और न ही वहां से जाएगी। जो भी ट्रेनें वहां से चलने वाली थी या आने वाली थी अब वो पुरानी दिल्ली शिफ्ट कर दी गई है। आपको बता दें अब आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर रेलवे के ऐसे डिब्बे रखे जाएंगे जिनको आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया है, यानी जिनमें चीनी बीमारी के मरीज के लिए बिस्तर लगाए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जहरीले मेथनॉल से नकली हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं कई गिरोह, ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर भी हो रही है धोखाधड़ी। जी हां, चीनी बीमारी संकट के बीच धोखाधड़ी करने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। दोस्तों ये गिरोह लोगों को हैंड सैनिटाइजर के नाम पर जहरीला मेथनॉल बेच रहे हैं। यानी कुछ गिरोह की तरफ से ऐसे सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं जिनमें खतरनाक तरीके के जहरीले तरीके के मेथनॉल यानी के एक तरीके का केमिकल है। दोस्तों आपको ऐसे भी बता दें कि अगर आप बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का यूज करेंगे तो वो आपको सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि इसमें कई तरह के केमिकल होते हैं। इसके अलावा इसमें अल्कोहल होता है। इसके अलावा जो भी आप सैनिटाइजर खरीदें तो कोशिश करें कि वो कंपनी का हो, उस पर कंपनी का लोगो, इसके अलावा कंपनी का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिकटॉक वाली कंपनी बाइट डांस बंद कर रही है अपने ये 2 लोकप्रिय ऐप। भारत में है इसके लाखों यूजर। जी हां, टिकटॉक वाली कंपनी बाइट डांस अपने 2 लोकप्रिय ऐप को बंद कर रही है। आपको बता दें जिस कंपनी का टिकटॉक है उसी कंपनी का वीगो वीडियो ऐप है और वीगो लाइट। तो आपको बता दें इस कंपनी ने ये ऐलान किया है कि जो वीगो वीडियो ऐप है और जो वीगो लाइट ऐप है इसे बंद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा अंदाजा लगाया गया है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वीगो वीडियो ऐप के जो यूजर हैं वो भी टिकटॉक पर शिफ्ट हो जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो योग करो, स्वस्थ रहो और इनाम पाओ, आप भी जीत सकते हैं लाखों रुपए का प्राइज सरकार की इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। चीनी बीमारी महामारी को देखते हुए इस साल योग दिवस पर किसी भी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बार योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही मनाया जाएगा। सरकार ने डिजिटल योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर आप घर बैठे लाखों रुपए का इनाम जीत सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो सवाल वगैरह आएंगे, आपको जिनका जवाब देना होगा, तो वो योगा से जुड़े हुए हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें ये कॉन्टेस्ट सरकार की तरफ से है, तो इसमें जो भी लोग जीतेंगे तो उन्हें डेफिनेटली पैसे मिलेंगे ही। पहला इनाम 1 लाख रुपए का है। तो दोस्तों आप इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं, सरकार की किस वेबसाइट पर जाना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कंगना रनौत ने कहा ये सुसाइड नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का हुआ है प्लान्ड मर्डर। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने बीते रविवार को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें उनकी जान जाने के बाद बॉलीवुड दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कई
जगहों पर सदमे जैसा माहौल है। आपको बता दें, सुशांत सिंह ने जो खुदकुशी की है, तो इस पर कंगना रनौत ने, जो कि बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि असल में सुशांत सिंह का एक प्लान मर्डर हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी तरफ से ज्यादा बताऊं, इससे अच्छा है कि मैं आपको उनके वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद अक्षय कुमार का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि खुदकुशी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, वैसे ये वीडियो अक्षय कुमार का पुराना वीडियो है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगा है। तो अक्षय कुमार ने आखिर आत्महत्या पर, खुदकुशी पर क्या कहा है, तो इसके लिए भी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे और आप अक्षय कुमार के वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बचपन से लेकर जिंदगी के आखिरी पलों तक तस्वीरों में देखिए सुशांत सिंह राजपूत का सफर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं रहे, और जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है तो वो कभी नहीं आता, बस उसकी यादें रह जाती हैं। आपको बता दें, उनकी जिंदगी पर एक आर्टिकल तैयार किया गया है, जिनमें फोटो के जरिए उनके बचपन से लेकर और उनकी आत्महत्या तक की बातें दिखाई गई हैं कि आखिर उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया। तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक भी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आत्महत्या से पहले ऐसे होते हैं किसी व्यक्ति के शुरुआती लक्षण, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर। जी हाँ, जैसे ही सुशांत सिंह फेमस एक्टर ने आत्महत्या कर ली, तो अब आत्महत्या पर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। आपको बता दें, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या करना भी एक तरीके की बीमारी जैसा होता है, क्योंकि इसके भी लक्षण होते हैं। डॉक्टर ने इसके बारे में भी काफी कुछ कहा है, तो इसके बारे में लगभग सभी लोगों को जान लेना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको इसके लिए भी एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मैं आपको बता दें कि जो सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, तो उसका कारण बताया गया है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे कई महीनों से। तो दोस्तों, डिप्रेशन पर भी पीटीआर न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल आया है, जिसमें ये बताया गया है कि आखिर डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे आपको कैसे बचना चाहिए। तो हम आपको पीटीआर न्यूज की वेबसाइट का जो लिंक है डिप्रेशन को लेकर, वो भी हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 9वें दिन बढ़ी कीमत पेट्रोल डीजल की। 19 महीने के उच्चतम स्तर पर आ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार 9वें दिन बढ़ा दी गई है और लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। आपको बता दें, 19 महीने के उच्चतम स्तर पर पेट्रोल आ गया है और 20 महीने के उच्चतम स्तर पर डीजल का रेट आ गया है। बीते रोज सोमवार को भी पेट्रोल 48 पैसे महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद अभी एक लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 76.26 रुपए है। आपको बता दें, ये 21 नवंबर 2018 के बाद सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर है पेट्रोल का। डीजल की कीमत पर भी 59 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब राजधानी दिल्ली में एक लीटर डीजल का दाम 74.62 रुपए है, जो कि 26 अक्टूबर 2018 के बाद सबसे उच्चतम स्तर है। यानी कि 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल के दाम इतने ज्यादा महंगे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके पेट्रोल डीजल के भी ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुजरात में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 2 रुपए प्रति लीटर पर किया गया है इजाफा। दोस्तों, एक तरफ पूरे देश के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, गुजरात वालों के लिए एक और परेशानी आ गई है, क्योंकि गुजरात में 2-2 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें, गुजरात में पहले पेट्रोल का दाम 72 रुपए प्रति लीटर था, जो कि अब 74 रुपए हो गया है। इसके अलावा डीजल का दाम 70 रुपए प्रति लीटर था, तो अब वो 72 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा जो कुछ पैसे हर रोज बढ़ रहे हैं, तो वो भी इस पर बढ़ेंगे ही। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर बैठे मिलेंगे ताजा फल सब्जी। मदर डेयरी की कंपनी सफल ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है। जी हाँ, मदर डेयरी के फल एवं सब्जियों की शाखा सफल ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के साथ साझेदारी की है, जो कि लोगों को अब घरों तक घर बैठे ताजा फल सब्जियां पहुंचाएंगी मदर डेयरी के सफल की। अधिक जानकारी के लिए आप जोमेटो की वेबसाइट पर जा सकते हैं या मदर डेयरी की वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं पास युवाओं के लिए बिजली विभाग में नौकरी का मौका, बेरोजगारों के लिए है शानदार मौका। जी हाँ, अगर आप भी 10वीं पास हैं और बिजली विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है। आपको बता दें, जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 जुलाई 2020 तक जमा कर सकते हैं। तो कौन लोग इस वैकेंसी में हिस्सा ले सकते हैं, कहां के लिए ये वैकेंसी है, आपको कैसे अप्लाई करना है, इन सभी चीजों के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इस सर्वे का जवाब देंगे, इस सवाल में हिस्सा लेंगे, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चेन्नई में अब दोबारा से 12 दिन के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, चीनी बीमारी को देखते हुए। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या चीनी बीमारी को रोकने के लिए कि क्या सरकार को फिर से पूरे देश में लॉकडाउन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन की परेशानी ज्यादा बड़ी है या जो चीनी बीमारी का संकट है वो परेशानी बड़ी है? तो फटाफट से अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक पहुंचा मॉनसून, इन राज्यों में शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान आज 16 जून 2020 के लिए। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, उत्तरी केरल में,
में, कोंकण में और गोवा में और गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के साथ साथ उत्तर भारत के भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सूखा बना रहेगा। तो दोस्तों आज 16 जून 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।